जिले में लगातार बढ़ती जा रही साइबर ठगी की घटनाओं को लेकर चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देश पर लोहाघाट थाने के एसओ और साइबर सेल प्रभारी चंपावत के द्वारा डायट लोहाघाट में शिक्षकों को साइबर ठगी के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही शिक्षकों से अपने अपने विद्यालयों के छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को जागरूक करने की अपील। साथ ही उनका कहना है कि साइबर ठगों के द्वारा दिए जाने वाले किसी भी लालच में ना आए और अपना ओटीपी नंबर व बैंक की डिटेल किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि जागरूकता ही साइबर ठगी से बचने का सबसे अचूक हथियार है। वर्तमान समय में जो साइबर से संबंधित ठगी हो रही है, किन किन चीजों से हो रही है, किस किस का प्रयोग करने से हो रही है, इस संबंध में हमारे द्वारा जो डाइट में टीचरों का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें साइबर अवेयरनेस, महिला सुरक्षा और नशे और यातायात के विरुद्ध उन्हें जागरूक किया गया, उन्हें अवगत कराया है कि किस तरह वो साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचाव कर सकते हैं, और शिक्षकों को साइबर अवेयरनेस बताने का हमारा उद्देश्य यही था कि वह जिस तरह स्कूल में जाकर अपने से जुड़े हर एक बच्चे और उनके अभिभावकों को जागरूक कर सके, इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता को टारगेट कर सके कि वो साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा सके। और 1930 जो हमारी साइबर हेल्पलाइन है, इस संबंध में भी उन्हें जानकारी दी गई और किस तरह से छोटी छोटी जागरूकता को अपनाकर वो साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं ये बताया गया। जनता से अपील करना चाहूंगी कि लालच या बहकावे में कभी ना आए, फ्री में या गिफ्ट में कभी भी कुछ नहीं मिलता है, इसलिए अगर कोई आपको कॉल करता है या प्रलोभन देता है, इन सब चीजों से बचिए, आप साइबर फ्रॉड से केवल जागरूक होकर ही बच सकते हैं। देखिए, हमारे जनपद में वर्तमान समय में साइबर जागरूकता को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोग जगह जगह जाके साइबर जागरूकता अवेयरनेस लोगों में फैला रहे हैं। इसी क्रम में आज डाइट में जो हमारे शिक्षक हैं, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे थे, तो उसी प्रोग्राम में हम लोगों ने जाके कुछ समय लेके शिक्षकों को साइबर जो अपराध हैं, कैसे हो रहे हैं, इनके बारे में बताया और कैसे ये बच सकते हैं, इस बारे में बताया गया। साथ ही उत्तराखंड पुलिस ऐप और गौरा शक्ति ऐप के विषय में भी बताया गया और उनसे आग्रह किया गया कि आप इस साइबर जागरूकता अभियान को या साइबर शिक्षा अभियान को आप आगे तक पहुंचाएं और आप जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, उनके अभिभावकों को, आसपास के जो भी उनसे जुड़े लोग हैं, उनको इस बारे में जागरूक करें। सर, मैं आपके माध्यम से लोहाघाट क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में साइबर के अपराध काफी बढ़ गए हैं और साइबर अपराध से बचने का केवल एक तरीका है, वो है जागरूकता। आप जागरूक रहें और किसी भी प्रलोभन में ना आए और अपना डेटा या अपने से जुड़ी जानकारी, बैंक से जुड़ी जानकारी, फाइनेंशियल जानकारी किसी भी प्रकार पे किसी भी प्लेटफॉर्म में साझा ना करें।